अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है कैसर अली और मैं आपका अपने चैनल मिस्टर कंप्यूटर में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है हमारी कंप्यूटर विंडो के मतलब कि हम अपनी विंडो का घोस्ट बनाकर उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमें बार बार विंडो नहीं करनी पड़ेगी और बार बार विंडो में ड्राइवर हो गए या कोई सॉफ्टवेयर हो गया वो हमें बार बार नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने ये विंडो की है, इसमें ये मैंने सारे सॉफ्टवेयर किए हैं, अपने ज़रूरत के जो भी मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए थे वो मैंने कर लिए। उसके बाद मैंने इसका बना लिया एक घोस्ट बनाकर मैंने अपने कंप्यूटर में सेव कर दी। उसके बाद मैं उस घोस्ट को, अगर ये मेरी विंडो करप्ट हो जाती है, ये सारे सॉफ्टवेयर मेरे करप्ट हो जाते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बात की, मैं दोबारा वो घोस्ट इस्तेमाल करूँगा तो बिल्कुल यही सॉफ्टवेयर, यही जो भी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं या इस टाइम डेस्कटॉप पे, ये बिल्कुल दोबारा वापस इसी तरह आ जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। और वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने ये काम करना है कि बेल आइकन पर लाजमी तौर पर अपने क्लिक करना है ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो अब तक इस नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचेंगे। जैसे ये मैंने किए हुए हैं तो यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है कि फलां बंदे ने विंडो अपना कोई वीडियो अपलोड किया है, तो मुझे पहुँच जाती। जैसे कि मैंने पहले ये दो वीडियो इसी मतलब बनाई थी कि आप अपने USB में विंडो कैसे बना सकते हैं, उसके बाद अपने विंडो का या USB का इमेज आप कैसे, विंडो का इमेज क्या आप कैसे बना सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये घोस्ट के मतलब है। इन दो वीडियो के बाद ये घोस्ट के मतलब है कि हम अपनी विंडो का घोस्ट कैसे बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करना है घोस्ट बनाकर। इसलिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका घोस्ट बनाना कैसे है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने उसे कहाँ पर आपने सेव करना है, किसी भी ड्राइव में सेव करना है, उसके बाद उसे इस्तेमाल कैसे करना है। प्रेस F9। सेलेक्ट USB डिवाइस, इंटर। सेलेक्ट स्टार्ट बूट CD एंड इंटर। नेक्स्ट, उसके बाद DAS, फिर DAS, यहाँ पे आपने इंटर और यहाँ पे आपने लिखना है घोस्ट GHOST और इंटर, फिर इंटर। यहाँ पर इंटर, ओके। यहाँ पर आप लोकल पार्टीशन, उसके बाद फ्रॉम इमेज, उसके बाद टैब से टैब दबाइए और ऊपर वाला खाने लोकल ड्राइव जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर आपने ये जो बटन होते हैं नीचे ऊपर करने वाले, इनसे आपने देखना है कि जहाँ पे आपका घोस्ट सेव किया होगा CDEF जो भी होगी उसमें आपने प्लास करना है। जैसे कि मेरी ये नीचे वाली पार्टीशन है इसमें है, ये देखिए घोस्ट आपके सामने आ गया, ओके किया और इंटर कर दीजिए, हो गया ओपन। ये अब आप देख सकते हैं, टैब दबाइए, सेलेक्ट कीजिए, ओके। अब ऊपर वाली है आपकी USB जिसे आपने बूट किया हुआ है या आपका सीडी रोम हो सकता है, और नीचे आपकी हार्ड है, यहाँ से लाकर आपने टैब की मदद से ओके करना है। उसके बाद प्राइमरी, यहाँ भी ओके। उसके बाद यहाँ से लेफ्ट राइट पे यस करेंगे तो आपका बूट घोस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यस कीजिए,
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं गोश्त आपका स्टार्ट हो गया है, ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा, तो वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया है रीस्टार्ट कंप्यूटर, तो हम इसे रीस्टार्ट करेंगे। अब आपके सामने मेरे सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए F1 का पावर सप्लाई फैन नॉट कनेक्टेड, पावर सप्लाई में थोड़ा फैन का थोड़ा सा मसला है, इसलिए थोड़ा सा मसला कर रहा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सीधा हार्ड ड्राइव में F9, हार्ड ड्राइव, ये आप देख सकते हैं कि विंडोज स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये छोटी सी कोशिश? मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपकी हेल्प के लिए, आपकी रहनमानी के यहाँ पर अपलोड करता रहूँ। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।